नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मुख्यतः जो है पांच प्रकार की स्त्रियां होती है, तो उनके जो लक्षण होते हैं उनके बारे में आज मैं बात करूंगी कि किस किस प्रकार की स्त्रियां होती है और उनके गुण कैसे होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो है स्त्रियां जो है पांच प्रकार की होती है। सबसे पहले जो है शंखिनी, शंखिनी जो स्वभाव की जो स्त्रियाँ होती है, ऐसे जो स्त्री होती है थोड़ा लंबी होती है और इनके जो है इनके कुछ मोटी होती है, ऐसे स्त्रियाँ मोटी होती है, थोड़ा दुर्बल प्रकृति के होती है। इनके नाक जो है थोड़ा मोटी होती है और आँखें जो होती है अस्थिर होती है, मतलब हमेशा आँखें आप देखेंगे घूमते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। और ये जो होते हैं कुछ मोटे और कुछ दुर्बल होते है, इनके नाक और आंखें जो होते नाक तो मोटी होती है, आंखें थोड़ा अस्थिर होती है, आवाज़ गंभीर होती है। ऐसे स्त्रियों की ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती है और बिना कारण ही हमेशा वो कुछ ना कुछ बात लेके क्रोध में रहते हैं, अपने पति से हमेशा रुटी हुई रहती है ऐसे स्त्रियाँ। और साथ ही में पति के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे स्त्रियाँ रहते हैं करते हैं। ऐसे स्त्रियाँ जो होती है भोग विलास में बहुत ज़्यादा अपने दिल को लगा के रखते हैं। इनको सिर्फ चुगली करना और इस तरफ के बात उस तरफ करना, ये सब बातें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आखिर में जो है इनके पूरे ज़िंदगी ऐसे इन्होंने नेगेटिविटी में अपने जीवन को बिता देते हैं और आखिर के जब इनके आखिरी टाइम आते हैं उस समय बहुत ये लोग ऐसे स्त्रियां जो है भुगतती है और उस समय भी इनका मृत्यु भी बहुत मुश्किल से आती है। और इनके आयु जो होते हैं इनके आयु थोड़ा सा लंबी होती है, 73 से लेके 83-85 तक इनके आयु होता है और इनकी जो आखिरी टाइम बहुत ही बुरा बीतते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी ऐसे स्त्रियां जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं, अपने लाइफ भी सुखी नहीं करते और औरों की लाइफ भी सुखी नहीं रखते हैं, औरों की लाइफ में भी इंटरफेयर करते रहते हैं। तो ऐसे स्त्रियां जो है आखिरी ज़िंदगी इनकी बहुत ख़राब रहती है। चित्रिणी जो होती है, ऐसे स्त्रियाँ जो होती है पवित्रता सज्जनों पर स्नेह करने वाले होती है। ऐसे स्त्रियाँ जो होती है बहुत शुभ माना जाता है, इनमें भोग की इच्छा कम होता है, श्रृंगार आदि का इनका जो होते हैं इनके मन बहुत अच्छा रहते हैं। इनके घर संभालना, अपने पति को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, ऐसे स्त्रियों का जो है इनके अंदर जो रहते हैं ये गुण स्त्रियों के अंदर रहते हैं। गाना बजाना, चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होते हैं। और साथ ही जो है ये स्त्रियाँ जो होते हैं तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा इन स्त्रियों को करते देखा गया है और ये देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। और इनका मस्तक जो होता है ये गोलाकार होता है, अंग जो इनकी बॉडी पार्ट होता है ये कोमल होते हैं और इनके स्वर जो होते हैं इससे आवाज़ जो होता है वो भी कोमल होता है। और बाल जो होते हैं इनके काले लंबे बाल होता है और ये जो होते हैं अपने चाहे गरीब घर में जन्म होते हैं ऐसे स्त्रियों की, पर जो है उनके अपने नसीब के हिसाब से उनके नसीब इतना अच्छा होता है कि राजभोग भोगते हैं, शादी भी अच्छे घर में इनके ऐसे स्त्रियों की होती है और राजभोग भोगते हैं पूरी ज़िंदगी और इनके पैसे की कभी कमी नहीं होती है। बट इतनी ये स्त्रियों की उम्र थोड़ा सा कम होता है, 50 से लेके 60 तक होता है इनके ऐसे स्त्रियों की उम्र देखा गया है ज़्यादातर। उसके बाद है हस्तिनी जाति की जो स्त्रियाँ होती है, ऐसे जो ये स्वभाव में जो ऐसे जाति के लड़कियाँ ये स्वभाव इनका चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग होता है, इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। और साथ ही जो हंसमुख स्वभाव की होती है ये भोजन अधिक करते हैं, भोजन अधिक प्रिय होता है, इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है, प्राय आलसी प्रकृति की ये होते हैं। इनके गाल नाक कान और मस्तक का रंग जो होता है गोरा होता है और ये इन्हें क्रोध अधिक बहुत ज़्यादा क्रोध इनके ऐसे स्त्रियों को आती है। साथ ही जो है इनके पैरों की उंगलियाँ जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, इनके संतान में ज़्यादातर जो होते हैं बहुत सारे संतान होते हैं पर तीन संतान इनका रहते हैं, लड़के अधिक होते हैं, ऐसे जो स्त्रियों की लड़के ज़्यादा होते हैं संतानों में। इसके अलावा जो होते हैं इनके विवाह जो है चार विवाह के बाद चार
आठ और बारहवा अथवा सोलहवें जो वर्ष में पति का भाग्योदय होते हैं ऐसे स्त्रियों की पतियों की। इसके बाद जो है पुंछली जाति की स्त्रियां जो स्वभाव में ऐसे लड़कियां जो होते हैं मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देते हैं, ऐसे स्त्री जो है होते हैं अच्छा नहीं माना जाता। ये अगर ऐसे स्त्रियां जो होते हैं अपने मस्तक में बिंदी भी लगाते हैं वो भी दिखता नहीं है, वो भी मलिन दिखता है, वो भी हाईलाइट नहीं होता, वो भी दिखते नहीं है, वो भी अच्छा नहीं दिखता। और साथ में ये परिवार के लिए दुख का कारण बनते हैं, इनमें लज्जा कम होती है और अपने हाव भाव के कारण जो कटाक्ष होती है लोगों की आंखों में और इनके जो है हाथ में जो है नब रेखाएं होती है, इसमें जो है सिद्ध शास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से हो रहते हैं ऐसे स्त्रियों की हाथों में। इनका मन जो होते हैं अपने पति के अपेक्षा पर पुरुष के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लड़कियां ऐसे स्त्रियां जो होती है पर पुरुषों को बहुत ज़्यादा अपने वश में कर लेते हैं। इसके अलावा जो है पद्मिनी जाति की जो स्त्रियां होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि पद्मिनी जाति की जो स्त्रियां होती है सुशील धर्म धर्मपरायण विश्वास रखने वाली माता पिता की सेवा करने वाली सुंदर देखने वाली, इनके शरीर भी कोमल होती है और इनके शरीर से भी एक सुगंध आती है और इनके लंबे कद होते हैं कम और कोमल बाल होते हैं और इनके जो है आंखें बहुत सुंदर होते हैं और इनके ये इनके व्यक्तित्व जो है इनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। ऐसे लोगों की आवाज़ भी ऐसे स्त्रियों की आवाज़ भी बहुत मधुर होती है, बहुत मीठा होते हैं। चलिए आज मैं स्त्रियों के बारे में इतना ही आप लोगों को बोला, फिर आप लोगों के सामने दूसरा जो है फिर से ऐसे ही साधना पूजा पाठ और काला जादू लेकर आ जाऊंगी। जब तक मुझे इजाजत दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अष्टतक चैनल को। नमस्कार।